हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में और आईक्यू G3 5G में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी से। तो सैमसंग के हैं डिस्प्ले 6.7 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और आईक्यू की डिस्प्ले 6.58 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। और आपको दोनों ही फ़ोनों में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। और डिस्प्ले क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बात की जाए प्रोसेसर की तो सैमसंग का है स्नैपड्रैगन का 778G 5G का CPU 3.2 GHz ऑक्टा कोर का 6 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और आईक्यू का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 768G 5G का CPU 2.8 GHz ऑक्टा कोर का और 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट। प्रोसेसर क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात की जाए बैक कैमरे की, दोनों का है ट्रिपल। सैमसंग का जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, फिर 12 का, फिर 5 का। आईक्यू का जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, फिर 8 का, फिर 2 का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की तो सैमसंग का है 32 का, आईक्यू का है 16 का। और कैमरा की क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो सैमसंग में है 5000 mAh की, आईक्यू में है 4400 mAh की। और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की तो सैमसंग में ही 15 वाट का सपोर्ट करता है 25 वाट के चार्जर को, आईक्यू में है 55 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों में रैम सेम है 6GB और 8GB की। सैमसंग की मेमोरी 128 GB की, आईक्यू में 128 GB और 256 GB की। दोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। और बात करते हैं प्राइस की तो सैमसंग का है स्टार्टिंग 26,999 रुपये, आईक्यू का है स्टार्टिंग 19,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।